बहराइच सदर से बीजेपी प्रत्याशी अनुपमा जायसवाल हमारे साथ है। मैम एक चीज ये बताइए, अगर बहराइच सदर की बात करें तो यहाँ विरासत की लड़ाई लड़ी जा रही है, 25 सालों से एक ही व्यक्ति का यहाँ पर कब्जा जो है, आपको लगता है कि उस विरासत की जो है जो जंग है उस पर आप जीत पाएंगी, उसे तोड़ पाएंगी तिलिस्म को? निश्चित रूप से बहराइच की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, और परिवर्तन के लिए कि विरासत की बात नहीं है, परिवर्तन विकास के लिए। इंसान को अपनी जो मौलिक ज़रूरतें हैं वो नहीं पूरी हो पा रही हैं आज बहराइच में, परिवर्तन विकास के लिए, परिवर्तन सुशासन के लिए, परिवर्तन किसानों के समृद्धि के लिए, परिवर्तन नौजवानों के भविष्य के लिए, परिवर्तन महिलाओं के सम्मान के लिए। तो बहराइच की जनता मैं घूम रही हूँ आज 1.5 महीने से, और देख रही हूँ कि लोगों का उत्साह बता रहा है कि इस बार बहराइच में कमल का फूल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनने वाली होती है। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ पर लंबे समय से एक ही व्यक्ति शासन रहा, सरकार में प्रतिनिधित्व भी रहा, लेकिन जिस लेवल पर डेवलपमेंट होना चाहिए वो दिखाई देता है? कतई नहीं दिखाई देता, वही तो मैंने कहा ना कि परिवर्तन का मन बना लिया, और यहाँ तो परिवर्तन ABCD से शुरू करना है अपने को, तो यहाँ विकास की ABCD से शुरुआत करनी है। 24 सालों में बहराइच में कुछ नहीं हुआ है, और इस बात को चीख चीख कर बहराइच का जनमानस जनता। जीत के लिए ध्रुवीकरण की आस है या विकास कोई मुद्दा है? मेरे हम लोग सबका साथ सबका विकास का मुद्दा लेकर गए हैं, और 3 बरस से कम समय में जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार चली है, इतने बड़े देश में भी बहराइच को 3 बड़ी सौगातें मिली हैं केंद्र सरकार से, चाहे वो यहाँ से रुपैढ़िया और बाराबंकी का राजमार्ग हो, चाहे बड़ी लाइन बिछाने का काम तेजी से जारी है, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास यहाँ हो चुका। तो इतने बड़े देश में बहराइच जैसे छोटे जनपद को केंद्र ने 3 बड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सौगातें दी। 7 में से 1 सीट है, कितना बदल पाएंगे इस बार के नतीजों को? हम 7 के 7 तो जीतेंगे। शुक्रिया। तो ये थी अनुपमा जायसवाल, जिनका साफ तौर पर कहना कि इस बार बहराइच की 7 में से 7 विधानसभा सीटें बीजेपी खाते में आएंगी, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ विकास कराया और विकास ही एकमात्र एजेंडा है। और जहाँ तक रही बात विरासत की, तो इस बार विरासत का तिलक जरूर टूटेगा। बहराइच से सहयोगी राजीव शर्मा और कैमरा पर्सन मनीष श्रीवास्तव के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, इंडिया 24/7।